दोस्तों आज मैं बताऊंगी आपको कपड़ों को धोने का ऐसा सीक्रेट जो आप पहले से नहीं जानते होंगे और कैसे इन छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके आप अपना काम आसान बना सकते हैं, अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिससे आप अपने टाइम और मनी की भी सेविंग कर पाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की सबसे पहली टिप। जब हमारा टूथपेस्ट जब ख़त्म हो जाता है तो कुछ इस तरीके से ये टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है ना रहता है। अब हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं, पर इससे हम जो है अपना घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए वो बताती हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, पीछे साइड से इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये कॉर्नर आपको मिलेगा, उसके बाद आपको सीज़र लेकर इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर गोल नुमा एक होल बन जाएगा। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए वो देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वायर होते हैं, फ़ोन के चार्जर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इस तरीके के तार वगैरह घर में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक थैले में रखकर इसको रख देते हैं, जो कि फिर आप देखते होंगे एकदम आपस में उलझ जाते हैं। तो इसको कैसे हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस एक टूथपेस्ट के ट्यूब से वो देखते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, सारे तार को अच्छे से सुलझा कर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो ये टूथपेस्ट है ना आपको इस तरीके से इसमें लगाना है। उसके बाद ये जो होल हमने किया हुआ है ना, ये टूथपेस्ट का मुंह जो है माउथ उसके अंदर डालकर कैप लगा लेना है। तो अभी देखिए जो हमारा जो इतने सारे जो वायर थे कुछ ही देर में जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं। ये बिल्कुल भी देखने में ख़राब नहीं लगेगा, आपस में ये उलझेंगे भी नहीं। और आपका जो एक बेकार पड़ा हुआ टूथपेस्ट का ट्यूब था ना जो ख़त्म हो गया था, जिसको आप यूज़ नहीं करने वाले थे, वो भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ज़रूर करके देखिएगा, आई होप आपको ज़रूर टिप पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप कि हमारी जो हेल्थ है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस तरीके के जो बैंगल्स होते हैं वो पहनने में हमें प्रॉब्लम आती है, या फिर कई लोगों के जो ये थंब के ऊपर वाला पार्ट है ना ये थोड़ा सा निकला हुआ होता है, जिससे वो बैंगल्स को पहन नहीं पाते हैं। अगर वो बड़े साइज़ के पहनेंगे तो फिर वो ऊपर आने के बाद फिर वो अच्छा नहीं लगता है, लूज़ लगता है। तो ये जो छोटे साइज़ के अगर बैंगल्स आपको पहनने हो तो कैसे हम पहनेंगे उससे जुड़ी ये ट्रिक है। आपको लेना है इस तरीके का एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन लगाने के बाद इस तरीके से आप है ना कोई भी बैंगल है जो आपको थोड़ी सी टाइट हो रही है इजीली आप पहन पाएंगे, और बहुत ही आसानी से ये जो है स्मूथली जो है ये अंदर चला जाता है। साथ के साथ इसको निकालना भी बहुत ही आसान है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बैंगल्स को पकड़ कर निकालना है। बस आप क्या करिए, जो पॉलीथीन इस साइड निकला हुआ है ना, बस उसको इस तरीके से हाथों से निकालते जाइए। आप देखिएगा जितनी भी टाइट बैंगल होगी ना आपके हाथों से आराम से सरक कर निकल आएगी, और बहुत ही अच्छे से जो है आप बैंगल्स छोटी बैंगल्स को भी पहन पाएंगे। अच्छा, बैंगल्स को पहनने का और भी कई तरीके हैं, जैसे लोग ऑयल लगा लेते हैं, शैम्पू वगैरह लगा लेते हैं, साबुन लगा के पहनते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस तरीके से पॉलीथीन लगा कर आप ईज़िली इसको पहन सकते हैं। तो ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों ये जो टिप है ये भी आपके बहुत काम आने वाली टिप है। कई बार होता है ना कि हम बाहर जाते हैं, अपना पर्स लेकर जाते हैं, हमें कुछ शॉपिंग करना होता है, तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो सामान खरीदने पर हो जाता है, हम बैग के ऊपर थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उस बीच में कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि हाँ चेन खोलकर कोई सामान अगर चोरी हो जाता है। तो उस टाइम के लिए ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करिएगा। कभी अगर आप बाहर जाते हैं तो एक सेफ्टी पिन लीजिएगा, और जो चेन में आपने जैसे पैसे वगैरह या जो रखे हों तो इस तरीके से है ना जो लॉक से पहले आप सेफ्टी पिन लगा लीजिएगा। इससे है ना जो ज़िप है रनर पर अच्छे से फ्रीली निकलेगी नहीं, क्योंकि ये जो सेफ्टी पिन है उसको रोक के रखेगा। तो मुझे लगता है बहुत ही यूज़फुल टिप है, जब भी अगर आप बाहर जाएं तो एक बार इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर ये टिप यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। इस तरीके के रिमोट्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, टीवी के हो या फिर एसी वगैरह के हो, तो कुछ दिन के बाद आप देखते होंगे यूज़ करते करते इसके बटन पे जो नंबर लिखे रहते हैं ना वो मिट जाते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। पहले तो आप क्या करिए, कोई सा भी टूथब्रश लेकर इसको अच्छे से साफ कर लीजिए, ताकि कोई भी अंदर डस्ट बिल्कुल भी ना रहे। उसके बाद आपको लेना है इस तरीके का क्लिंग पेपर जो होता है ना ट्रांसपेरेंट वाला, ये आप ले लीजिए। उसके बाद इस तरीके से खोल कर
जो रिमोट है उस पर आप रैप कर दीजिए, तो एक लेयर आप इजली इसको इस तरीके से रैप कर दीजिए, तो इस पर ना ग्लू लगा रहता है जो बहुत ही अच्छे से रिमोट पर स्टिक हो जाता है, और इसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ के साथ जो अंदर बटन्स पे अल्फ़ाबेट नंबर्स वगैरह लिखे हैं वो भी आप ईज़िली देख पाएंगे, साथ के साथ ये गंदा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से रैप करने के बाद अच्छे से इसको पैक कर दीजिए, तो अब आपका जो रिमोट है वो सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी जो उसके नंबर्स हैं वो मिटेंगे नहीं, और ईज़िली जो है आप उसको यूज़ भी कर पाएंगे। तो कैसी लगी टिप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा दोस्तों। ये अगर ये छोटे छोटे टिप्स अगर हम अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, तो यकीन मानिए हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान बनती है, और हमारे जो मुश्किल काम होते हैं ना बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो ज़रूर इन साइड टिप्स को अप्लाई करिएगा अपने लाइफ में, और अपने काम को बेहतर बनाइएगा। चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। जब भी आप चावल बनाते हैं तो क्या इस पानी को आप फेंक देते हैं? अगर फेंक देते हैं तो आज के बाद इसको कभी मत फेंकिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। तो पहले तो आप क्या करना है, जो पहला पानी होता है ना जब हम चावल धोते हैं तो उसको तो आप फेंक दीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा डस्ट होता है। लेकिन सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जो आप पानी डालते हैं ना उसको आप एक बर्तन में कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है कोई सा भी इस तरीके का कंटेनर आप ले लीजिए, डिस्पोजल मैंने ले लिया है, तो उसमें आपको रखना है डिटर्जेंट। तो मैं यहाँ पर दो तरीके डिटर्जेंट हमेशा यूज़ करती हूँ कपड़ों को वॉश करने के लिए। तो एक जैसे मैंने यहाँ पर सर्फ एक्सेल यूज़ किया है, एक थोड़ा सा लोकल कंपनी का डाला है, तो इससे क्या होता है ना कि सर्फ की क्वान्टिटी बढ़ जाती है और सफाई बहुत ही अच्छे से होती है। उसके बाद आपको इसमें रखना है थोड़ा सा नमक और रखना है बेकिंग सोडा। अब इन चारों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो इसको एक कंटेनर में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर भी आप रख सकते हैं, या फिर कभी भी जैसे आपको वॉश करना हो ना तो उस टाइम आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा है जो क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छे से करता है, और नमक भी जो होता है ना कि बहुत ही अच्छे से कपड़ों को साफ़ करता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप मशीन में कपड़ों को वॉश करते हैं तो इसको आप मशीन में डालिए, अगर आप है ना इस तरीके से टब में डालकर उसको भिगोना चाहते हैं तो पहले क्या करिए, पानी में जितना आपको क्वांटिटी सर्फ की रखनी है आप रख लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ के साथ इसमें जो हमने चावल का पानी निकाला था ना वो भी आपको ऐड कर लेना है, और अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें फेन ना आ जाए, इस तरीके का झाग ना आ जाए। उसके बाद आपके जितने भी वाइट कपड़े हैं ना वो सारे आप इसमें इस तरीके से भिगो दीजिए। आप देखिएगा ये जो हमने चावल का पानी इस्तेमाल किया है ना, इससे आपके कपड़ों की चमक एक अलग ही आएगी। मेरे कहने पर आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, आप देखिएगा जो कपड़े बहुत ही ज़्यादा डल वाइट कपड़े हो जाते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वॉश करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारे जो कपड़े हैं उसको मैंने वॉश भी कर लिया है, उसको सुखा भी लिया है, तो देखिए हमारे जो कपड़े हैं बहुत ही अच्छे से वाइट हो गए हैं, चमक रहे हैं। तो जब भी आप सफ़ेद कपड़ों को धोने वाले हो ना, तो जो कपड़े धोने वाला जो पानी है, चाहे आप मशीन में धो रहे हो या फिर हाथ से धो रहे हो, चावल का जो पानी है ज़रूर ऐड करके इसको साफ़ करिएगा। तो ज़रूर करके देखिएगा, और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। दोस्तों आज का था ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक देखा जा रहा है। तो कल फिर मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।